नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी ईडी। जमीन घोटाला प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तार किए गए राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विरुद्ध ईडी शनिवार को ईडी की रांची स्थित विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल करेगी। इसकी तैयारी पूरी हो गई है। हेमंत सोरेन को ईडी ने 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। शनिवार को उनकी गिरफ्तारी के 60 दिन पूरे हो जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम में 60 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल करने की बाध्यता है, जिसका ईडी अनुपालन करते हुए शनिवार को कोर्ट जाएगी। बता दें, ईडी ने हेमंत सोरेन के विरुद्ध अपनी चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। ईडी ने उन्हें बड़गाई अंचल स्थित बरियातू की एक प्रतिबंधित किस्म की जमीन को हड़पने के मामले में गिरफ्तार किया था। कोर्ट में उन्हें रिमांड पर लेने के लिए दिए गए आवेदन में ईडी ने इसका जिक्र भी किया था। मानव तस्करी और भूखमरी के खिलाफ लड़ेंगे पीएलभी। झालसा लोगों को कानूनी सहायता और सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ साथ मानव तस्करी और भूखमरी पर रोक लगाने की योजना पर काम कर रहा है। झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस एसएन प्रसाद की पहल पर राज्य के सुदूर इलाकों में स्थानीय लोगों को पीएलभी के माध्यम से जोड़ा जा रहा है, ताकि उस क्षेत्र में मानव तस्करी और भूखमरी की स्थिति पर नजर रखी जा सके। जस्टिस एसएन प्रसाद ने हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में जागरूकता शिविर लगाकर आदिम जनजातियों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया है। राज्य में पीएलभी की नियुक्ति की जाती है, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के साथ मिलकर काम करते हैं। पीएलभी लोगों को कानूनी सहायता और सरकार योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करते हैं। बता दें, राज्य में पलायन एक बड़ी समस्या है। सरकारी आंकड़ों की माने तो हर साल 9 लाख लोग राज्य से बाहर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं। इसका फायदा उठाकर मानव तस्कर नाबालिग बच्चों को बड़े शहरों में बेच देते हैं। जांच में बात साबित हो चुकी है कि मानव तस्करी में बच्चों के करीबी रिश्तेदारों का हाथ होता है। पुलिस पर पथराव मामले में 200 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज। कोडरमा के चंदवारा थाना क्षेत्र के रांची पटना मुख्य मार्ग मदनगुंडी पेट्रोल पंप के समीप गुरुवार की सड़क जाम के बाद उग्र भीड़ द्वारा पुलिस पर पथराव एवं पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की घटना के बाद पुलिसिया कार्रवाई तेज हो गई है। मामले में कई नामजद समेत करीब 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ चंदवारा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। बता दें कि बुधवार शाम यहां एक कार व टेम्पो की टक्कर में लगभग 1 दर्जन लोग घायल हुए थे। इलाज के दौरान फुलांगी सिंह की मौत भी हो गई थी। इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने गुरुवार को रांची पटना मुख्य मार्ग जामू खांडी पर सौ रहकर जाम किया था। 6 घंटे तक जाम में राहगीरों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। जाम खाली कराने पहुंचे प्रशासन के लोगों पर ग्रामीणों ने पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने भी हल्की लाठी चार्ज की है। तेंदुआ को लेकर अलर्ट जारी। रात में घर से अकेले न निकले बाहर। जमशेदपुर कदमा स्थित डाइवर्सिटी पार्क में तेंदुआ देखे जाने के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया है। वन विभाग एवं टाटा जू के अधिकारी मौके पर मुस्तैद हैं। लोगों को आगाह करते हुए जमशेदपुर के वन प्रमंडल पदाधिकारी ममता प्रियदर्शी ने आम जनता से सावधान और सतर्क रहने की अपील की है। डीएफओ ने कहा है कि फटकते हुए तेंदुए के रेस्क्यू में वन विभाग की टीम को सहयोग करें। उन्होंने बताया है कि 29 मार्च को कदमा स्थित बायोडाइवर्सिटी पार्क में एक तेंदुआ देखा गया, जिसके उपरांत वन विभाग के द्वारा बचाव अभियान के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बचाव अभियान के लिए आवश्यक संयंत्रों की व्यवस्था की जा चुकी है। ऐसी परिस्थिति में तेंदुए से जान माल की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित सावधानियां बरतने की अपील की गई है, जिसमें बच्चों को घर से बाहर अकेले न छोड़ने, रात्रि के समय किसी भी प्रयोजन के लिए घर से बाहर कम से कम 4-5 वयस्क व्यक्तियों के समूह में निकले, मवेशियों को चरागाह में ले जाने समय कम से कम 4-5 वयस्क व्यक्ति के समूह में जाएं। जमशेदपुर में भीषण हादसा। धू धू कर जलने लगे स्क्रैप गोदाम। झारखंड के जमशेदपुर के वर्मा माइंस की लाला बाबा फाउंड्री स्थित 2 स्क्रैप गोदाम में शुक्रवार रात 8 बजे आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 22 दमकल की गाड़ियों की मदद से रात 11 बजे तक काबू पाया नहीं जा सका। इस अग्निकांड में भारी नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया है। रबर होने के चलते लपटों पर काबू पाने में अग्निशमन कर्मियों को काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी है। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अचानक आग की लपेटें उठी तो लगा कि वे लोग ही आग पर काबू पा लेंगे, इसलिए तत्काल किसी को सूचना नहीं दी गई, लेकिन 10 मिनट में ही हवा के लपेटों ने विकराल रूप धारण कर लिया।
ढुल्लू महतो की संपत्ति जांचे चुनाव आयोग व ईडी, सरयू राय। धनबाद लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और बाघमारा के विधायक ढुल्लू महतो की मुश्किलें में शुक्रवार को एक और इजाफा हो गया है। भीतरघात और नाराजगी झेल रहे ढुल्लू महतो के खिलाफ अब जमशेदपुर पूर्वी के सरयू राय ने मोर्चा खोल दिया है। राय ने कहा है कि चुनाव लड़ना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है, यदि ऐसा होता तो वे भाजपा नेताओं के यहाँ नाक रगड़ रहे होते, लेकिन यदि धनबाद की जनता को जरूरत पड़ी कि यहाँ बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। चुनाव मैदान में भी उतरकर ऐसे तत्वों के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। राय ने इशारे में धनबाद लोकसभा सीट से ढुल्लू महतो के खिलाफ चुनाव लड़ने का इरादा साफ कर दिया है। कहा है कि धनबाद के भाजपा नेता कृष्ण अग्रवाल से मोबाइल पर बातचीत के दौरान ढुल्लू महतो की नोक झोंक में विधायक ने कह दिया था कि सरयू राय के इशारे पर उन्होंने बाबूलाल मरांडी को पत्र लिखा था। झारखंड में लक्ष्य की 25% धान खरीद तिथि बढ़ी। राज्य के किसानों से MSP पर धान खरीद की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले आखिरी तिथि 31 मार्च तक कुल 60 लाख क्विंटल धान की खरीदारी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अभी तक मात्र 25% ही खरीदारी होने के चलते तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। बता दें कि अभी तक राज्य भर से 15,57,117 क्विंटल ही धान की खरीदी हुई है। बताया गया है कि पिछले वित्तीय वर्ष में भी एक माह का समय बढ़ाया गया था। वहीं राज्य भर में 562 पैक्स के माध्यम से धान की खरीदारी की जा रही है। विभिन्न जिलों में जरूरत के हिसाब से प्रखंड अनुमंडल स्तर पर MSP केंद्र का निर्माण किया गया है। रांची का पारा 35 के पार, आज और कल बारिश। राजधानी समेत राज्य में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। शुक्रवार इस सीजन का अब तक का सबसे गर्म दिन रहा। आने वाले समय में गर्मी बढ़ने के आसार हैं। दो जिलों का अधिकतम तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, वहीं न्यूनतम तापमान में भी तेजी से वृद्धि हो रही है। बता दें शुक्रवार को मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री और जमशेदपुर का 40.1 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जमशेदपुर का न्यूनतम तापमान 23.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 35.5 और न्यूनतम 20.4 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की वृद्धि हुई है। अधिकतम अपने सामान्य तापमान से 4 डिग्री अधिक होने के करीब है, जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 2 डिग्री के अधिक होने के करीब है। मौसम विभाग के मुताबिक रांची समेत राज्य के विभिन्न भागों में अगले 2 दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की वृद्धि हो सकती है। वहीं शनिवार और रविवार को राजधानी और राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के बादल छाने और गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। स्कूलों में नया सत्र 1 से किताब खरीदने को अभिभावक परेशान। नई कक्षा में जाने को लेकर बच्चों में उत्साह है, वहीं किताब खरीदारी को लेकर अभिभावकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निजी स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में स्कूलों के दबाव के कारण किताब खरीदने के लिए अभिभावक परेशान हो रहे हैं। खासकर ICSE बोर्ड के अभिभावकों को ज़्यादा परेशानी उठानी पड़ रही है, क्योंकि शहर के गिने चुने दुकानों में ही ICSE बोर्ड की किताबें मिलती है। इसमें भी स्कूल की ओर से तय दुकान से किताब खरीदने का दबाव अभिभावकों पर होता है। अधिकांश स्कूलों की किताबें मेन रोड स्थित दुकान से लेने का दबाव रहता है। केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश के लिए 1 अप्रैल से आवेदन शुरू। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 से 11वीं तक में नामांकन के लिए कार्यक्रमों की घोषणा कर दी है। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू होगी। केवी ने कुल 1254 केंद्रीय विद्यालय स्कूलों में प्रवेश के लिए एक नया प्रवेश पोर्टल लॉन्च किया है। इसमें कहा गया है कि केवी कक्षा 11वीं में प्रवेश पंजीकरण कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित होने के 10 दिन बाद शुरू होगा। साथ ही बताया गया है कि पंजीकृत बच्चों की सूची, पात्र बच्चों की सूची, अनंतिम रूप से चयनित बच्चों की श्रेणीवार सूची, प्रतीक्षा सूची और बाद की सूचियां स्कूल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करने के अलावा संबंधित केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। पुलिस टीम पर हमला, इंस्पेक्टर समेत 4 घायल। चतरा जिले के टंडवा उत्क्रमिक मध्य विद्यालय पदमपुर में बाउंड्री वाल निर्माण का काम रोकने गए पुलिस पदाधिकारियों पर ठेकेदार के समर्थकों ने हमला कर दिया। इसमें इंस्पेक्टर अनिल उराव समेत 4 जवान घायल हो गए हैं। घटना शुक्रवार दोपहर बाद की है। इस संबंध में पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जानकारी के अनुसार पदमपुर स्कूल का 60 लाख की लागत से चारदीवारी का काम कराया जा रहा है। बताया गया है कि जिस जमीन पर चारदीवारी हो रही थी वह रेती निकली, जिसके बाद भी जमीन मालिकों ने बच्चों के भविष्य को देखते हुए कुछ जमीन पर ठेकेदार को काम करने की इजाज़त दी, मगर ठेकेदार अधिक जमीन पर दीवार खड़ी करवा रहा था।
इसका जमीन मालिकों ने विरोध करते हुए सीओ से शिकायत की थी। इधर सीओ के आदेश पर शुक्रवार की दोपहर इंस्पेक्टर अनिल उराव दल बल के साथ काम रुकवाने पहुंचे, मगर ठेकेदारों के समर्थक और कुछ ग्रामीणों ने अधिकारियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। 31 को दिल्ली रैली में कल्पना सोरेन भी होंगी शामिल। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया गठबंधन फिर से अपनी ताकत दिखाएगा। इसके लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में महारैली का आयोजन किया जाएगा। इसमें इंडिया ब्लॉक के 13 सहयोगी दल शामिल होंगे। रैली में इंडिया ब्लॉक का बैनर लगा होगा। इस पर तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा लिखा होगा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी रैली को संबोधित करेंगी। दिल्ली पुलिस ने रैली के लिए स्वीकृति दे दी है। इस रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, डेरेक ओ ब्राउन, टी शिवा, फारूक अब्दुल्ला, चंपाई सोरेन, कल्पना सोरेन, सीताराम येचुरी, डी राजा, दीपांकर भट्टाचार्य और फॉरवर्ड ब्लॉक के जी देवराजन भी रैली में शामिल होंगे। जेपीएससी घेराव 1 अप्रैल को। जेपीएससी घेराव को लेकर रांची के मोराबादी मैदान में शुक्रवार को बैठक हुई। इस बैठक में जेपीएससी कार्यालय घेराव पर रणनीति बनाया गया। घेराव का नेतृत्व कर रहे इमाम शफी ने कहा है कि 1 अप्रैल को झारखंड के लगभग सभी जिला से बड़ी संख्या में जेपीएससी जेएसएससी के लाखों छात्र बापू वाटिका मोराबादी पहुँचेंगे और वहीं से जेपीएससी कार्यालय पहुँचकर शांतिपूर्ण तरीके से घेराव करेंगे। बता दें 11वीं जेपीएससी हड़बड़ी में गड़बड़ी कर दी गई है। छात्रों के विरोध के बावजूद परीक्षा रद्द करने के बजाय जल्दबाजी में गलत आंसर की भी जारी कर दिया गया है, जिससे छात्रों में सरकार के प्रति काफी आक्रोश है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के बाद जेपीएससी परीक्षा में भारी गड़बड़ी से झारखंड के छात्र आर पार के मूड में हैं। धनबाद डीसी के नाम बनाई फेक व्हाट्सएप आईडी। धनबाद की जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीसी माधवी मिश्रा के नाम व तस्वीर वाली फेक व्हाट्सएप आईडी बनाने का मामला प्रकाश में आया है। फेक व्हाट्सएप आईडी का नंबर 9579111855 है। डीसी ने इस संबंध में शुक्रवार को जिले के अधिकारियों, शुभचिंतकों व आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि अगर इस व्हाट्सएप नंबर या किसी भी अन्य नंबर व अन्य किसी भी अनाधिकृत सोशल मीडिया के माध्यम आपसे संपर्क किया जाता है तो उनके झांसे में न आए और किसी भी प्रकार की कोई भी वार्तालाप न करे। जमशेदपुर में कारोबारी की पत्नी की गोली मारकर हत्या। जमशेदपुर सोनारी आस्था हाईटेक के रहने वाले कारोबारी रवि अग्रवाल की पत्नी ज्योति अग्रवाल 39 वर्षीय की शुक्रवार की रात सरायकेला खरसावा जिला के कांदरबेड़ा में अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारोबारी रवि अग्रवाल ने पत्नी स्वीटी को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और व्यापारियों में आक्रोश का भाव है। घटना के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पूर्व अध्यक्ष सुरेश सोथालिया सहित कई व्यापारी टीएमएच पहुंचे और पुलिस से कार्रवाई करने की मांग की है। देवघर में आधी रात को स्कॉर्पियो से गोवंश की चोरी। झारखंड के देवघर के शहरी क्षेत्र में अब चोर अनूठे तरीके से मवेशियों की चोरी कर रहे हैं। अब चोर गोवंश सहित मवेशियों को चुराने के लिए स्कॉर्पियो जैसे सवारी वाहनों का इस्तेमाल करने लगे हैं, जिसके शक की कोई गुंजाइश नहीं रहे। बता दें नगर थाना क्षेत्र के हरलहदिया पुल के समीप 2 दिन पहले ऐसा ही एक वाकया हुआ, जहां आधी रात को सड़क किनारे खड़े गोवंश को स्कॉर्पियो में लाद कर चुरा ले गए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देवघर में लगातार बढ़ रहा साइबर अपराध का ग्राफ। साइबर क्राइम के केस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक इसका ग्राफ 40 तक पहुंच गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 माह में साइबर क्राइम के केस में 162 नामजद आरोपियों के विरुद्ध साइबर थाना के पुलिस ने अनुसंधान पूरी कर आरोप पत्र दाखिल कर दिया है, जिसका स्पीडी ट्रायल एडीजे 2 सह विशेष न्यायालय की अदालत में चल रहा है। सभी आरोपी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र के हैं, जिनके विरुद्ध साइबर थाना देवघर में एफआईआर दर्ज हुआ है। केस दर्ज करने के दौरान पुलिस ने आरोपियों के घर से छापेमारी कर कई स्मार्टफोन, एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, नगद रुपए, बाइक, वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए हैं। अनुसंधान के क्रम में आईओ ने प्रथम दृश्य अपराध में आरोपियों की संलिप्तता पाकर चार्जशीट दाखिल कर दिया है। इसमें से 1 दर्जन से अधिक मामलों में गवाही चल रही है, जबकि कई मामले आरोप गठन के लिए विचाराधीन हैं। धन्यवाद।